नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे क्रेजी या वियर्ड इन्वेंशंस के बारे में, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि कोई इतना क्रिएटिव कैसे हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली इन्वेंशन का नाम है दोस्तों दसलीज। ये एक ऐसी बाइसिकल है जिसमें पैडल्स ही नहीं है। ये साइकिल आपको दौड़कर या चलकर चलानी पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट का आविष्कार तो दोस्तों 1817 में ही कर लिया गया था एक जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा, जिसका नाम था कार्ल वॉन ड्रेस। लेकिन दोस्तों इसका री इन्वेंशन किया गया सन 2010 में, जिसको नाम दिया गया द फ्लीज। फ्लीज बाइसिकल को दोस्तों दो जर्मन इन्वेंटर्स के द्वारा इन्वेंट किया गया था, जिनका नाम था टॉम हेम्ब्रुक और ज्यूरी स्पेटर। इस कॉन्सेप्ट को बनाने के पीछे इन्वेंटर्स का ये मकसद था कि जो यूजर्स हैं उनको साइकिलिंग का नया एक्सपीरियंस दे सके और साइकिलिंग को पब्लिक स्ट्रीट्स में चलाने के लिए मोर यूजर फ्रेंडली बनाया जाए। इस साइकिल को चलाने के लिए एक बेसिक से प्रिंसिपल का यूज किया है कि जो साइकिलर है या जो साइकिल चलाने वाला है वो अपनी दौड़ने की या चलने की स्पीड से साइकिल में मोमेंटम जनरेट। साइकिल की बॉडी दोस्तों कार्बन फाइबर से बनी हुई है, जो इसको बहुत ही हल्का बनाती है। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो इन्वेंशन थी ये उतनी भी खास नहीं रही। जैसा कि आपको इस साइकिल को देखकर ही लग रहा होगा कि ये साइकिल थोड़ी इम्प्रैक्टिकल है या अनकंफर्टेबल है, तो लोगों का ये मानना था कि जो दूसरी कन्वेंशनल साइकिल्स हैं वो ही बेहतर हैं और उन्हें ही यूज किया जाए। इस साइकिल की दोस्तों कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। हमारी लिस्ट में अगली इन्वेंशन का नाम है द नोज स्टाइलस। दोस्तों जैसे आपको पता होगा, ये एक स्टाइलस पेन की तरह होता है जिसे आप यूज करते हैं टच स्क्रीन को एनहांस करने के लिए। वैसे तो दोस्तों स्टाइलस का इन्वेंशन 19th सेंचुरी में ही हो गया था, लेकिन नो स्टाइलस को रीडिजाइन किया गया सन 2011 में विलकॉक्स द्वारा। ये नो स्टाइलस बनाने के पीछे दोस्तों एक दिलचस्प स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा और उससे आप जरूर कनेक्ट करेंगे। ये जो इसके नो स्टाइलस के इन्वेंटर हैं डोमिनिक विलकॉक्स, इन्हें बाथ टब में फोन चलाने का बहुत शौक था, लेकिन हाथ गीले होने की वजह से वो टच स्क्रीन को बार बार यूज नहीं कर पाते थे या टच स्क्रीन भीग जाती थी। तो उन्होंने अपने नाक से अपने टच स्क्रीन को टच करने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाक से टच करते थे तो वो स्क्रीन नहीं देख पाते थे। तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना एक नोज स्टाइलस बनाया जाए जिसको नोज पे लगा के आप अपने टच स्क्रीन को टच कर सकें और स्क्रोलिंग कर सकें। तो उन्होंने डिजाइन किया ये नोज स्टाइलस। वैसे तो ये नोज स्टाइलस इतना भी फेमस नहीं रहा, क्योंकि लोग इसको लगाकर बहुत ऑकवर्ड फील करते थे और उनका मानना ये था कि हरदम इसे लगाने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। इसलिए दोस्तों ये नोज स्टाइलस इतना कामयाब नहीं रहा। वैसा ही जैसा आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये नोज स्टाइलस इतना फेमस हो जाता या लोगों को इसकी रियली नीड पड़ती, तो इमेजिन करिए हम एक दूसरे प्लेनेट में ऐसा समझ सकते थे कि हर कोई पिनोकियो बन के घूम रहा है। तो ये आइडिया भी दोस्तों इतना एंटरटेन नहीं किया गया लोगों के द्वारा। और आपको ये इन्वेंशन कैसा लगा दोस्तों, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए। आइए शुरू करते हैं हमारी तीसरी इन्वेंशन के बारे में। तो हमारी तीसरी इन्वेंशन का नाम है दोस्तों चॉपस्टिक फैन। अगर आप एक नूडल लवर हैं तो आप इस इन्वेंशन से जरूर रिलेट करेंगे। ये चॉपस्टिक फैन दोस्तों हेल्प करता है आपके नूडल्स को ठंडा करने में। जैसे हम कभी गर्म नूडल्स खाते हैं तो हमें फूंक मारने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये जो चॉपस्टिक फैन है दोस्तों, इसमें चॉपस्टिक के ऊपर एक बैटरी लगाई गई है और नीचे फैन लगाया गया है जो आप बटन की मदद से ऑन कर सकते हैं और वो आपको नूडल्स को ठंडा करने में हेल्पफुल होगा। ये एक जापानीज इन्वेंशन है दोस्तों, और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जापानीज कितने बड़े नूडल लवर्स हैं। देखने में तो ये इन्वेंशन काफी यूजफुल लगता है दोस्तों, लेकिन इसे यूज करने में थोड़ी दिक्कत है। जैसे अगर चॉपस्टिक पे फैन लगा दिया जाएगा तो चॉपस्टिक खुद में ही इतनी भारी हो जाएगी कि आपका ध्यान सारा का सारा चॉपस्टिक उठाने में ही लग जाएगा। वैसे अगर आप इस चॉपस्टिक फैन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। हमारी नेक्स्ट इन्वेंशन का नाम है दोस्तों एयर कंडीशनिंग शूज। एयर कंडीशनिंग शूज एक ऐसे शूज हैं दोस्तों जो ये आपके पांवों को कूल रखने के, ड्राई रखने के काम आते हैं गर्मियों में। और इस इन्वेंशन का नाम है दोस्तों हाइड्रोटेक कूल ब्रीज शूज। इन कूल ब्रीज शूज में दोस्तों एक पेटेंटेड माइक्रो फिल्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसमें फिल्टर्स जूते के नीचे लगे हुए हैं और ये अंदर से गर्म हवा को बाहर फेंकते हैं और ऊपर से फ्रेश हवा को जूतों के अंदर आने देते हैं। लेकिन इस इन्वेंशन में भी एक ड्रॉबैक है दोस्तों कि आप इन शूज को बारिश के टाइम में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसमें माइक्रो टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है या जो माइक्रो चिप्स यूज हुए हैं, बैटरी यूज हुई है, वो बारिश के कारण, गीला होने के कारण वो शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं और खराब हो सकते हैं। तो इसे आप केवल गर्मियों के दिनों में जब धूप निकली हो तभी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भी इन शूज में इंटरेस्टेड हैं तो आप भी
इन्हें खरीद सकते हैं केवल 3,000 रुपए में। तो ये इन्वेंशन आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिए, और हमारी अगली वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, वणक्कम। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।